पटना में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग, जुलूस यात्रा के दौरान हुई घटना, छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार के नालंदा में सरस्वती माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, झड़प के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने गोली चलने की बात से किया इनकार। दिल्ली में फिर कंजाबला जैसी खौफनाक वारदात, केशवपुरम में कार ने टक्कर मारी, स्कूटी सवार को घसीटा, हादसे में एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी आज करेंगे राजस्थान का दौरा, भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की जन्मस्थली की पूजा अर्चना करेंगे, धर्म सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले गहलोत सरकार का बड़ा दाव, देव नारायण जयंती पर अवकाश घोषित, राज्य में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। राहुल गांधी का सुरक्षा चूक के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा सुरक्षा में कोई चूक नहीं, सुरक्षा बलों का मनोबल गिराते राहुल। आज यात्रा में शामिल हो सकती है महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी, अनंतनाग के खन्ना बल से शुरू होगी यात्रा। भारत चीन सीमा तनाव पर बोले पूर्वी कमान के जीओसी इन कमांड आरपी कलिता, एलएसी पर दोनों देशों की धारणाएं अलग, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारत। बीबीसी बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर टीयू में हंगामा, यूनिवर्सिटी के बाहर धारा 144 लागू, पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। दिग्विजय के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाए, बोले सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर काटने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार, ये भाषा किसी महात्मा की नहीं आतंकियों की है। उत्तराखंड दौरे पर धीरेंद्र शास्त्री अपने विरोधियों को नसीहत दी, कहा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, साधना से कोई भी चमत्कार हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की मीटिंग, पीएम मोदी गृहमंत्री शाह मौजूद रहे, तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन हुआ। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, आशीष सेलार के दफ्तर में भेजा धमकी भरा पत्र, बांद्रा पुलिस ने थाने में दर्ज की एफआईआर। आज शाम 4:30 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, बैठक के बाद मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। यूपी में आज से अगले 4 दिनों तक बैंक बंद, शनिवार और रविवार के बाद 2 दिनों तक हो सकते हैं अखिल भारतीय हड़ताल। मुजफ्फरनगर में आज से शुरू हो रहा है भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, किसानों की कई मांगों को लेकर हो रहा प्रदर्शन, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत रहेंगे मौजूद। शाहजहांपुर में कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश, 2017 में 2 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट का आरोप, पुलिस या कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। झांसी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, जबरदस्त विस्फोट से इमारत समेत दो, आसपास के कई मकानों में दरार आई, जांच कर रही है पुलिस।